हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है एक गुड न्यूज़ है, मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ अपनी मुर्गी में। और मौसम तो अभी वैसा ही चल रहा है, करीब हफ्ता भर हो गया होगा धूप नहीं निकली है, ऐसे ही बदली बदली रहती है और कोहरा वगैरह रहता है। तो आज जो है कोहरा वगैरह नहीं है और ठंडी भी थोड़ी पहले से कम है। बट अभी जो मुर्गियाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें चार मुर्गी बाहर हैं और एक मुर्गा है। और एक जो है मुर्गी एग पे बैठ गई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बैठी होगी तो ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से मुर्गी जो है एक कुड़क हो गई है और एग इनक्यूबेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये किस्मत अच्छी है या ख़राब है पता नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मुर्गी कुड़क हो जाए तो एग उसके नीचे रख दूंगा। बट जैसे ही इनक्यूबेटर वाली मशीन आई और एग उसमें फॉस्टर किए, उसके बाद ही फौरन ये कुड़क हो गई। अब उस हिसाब से अंडे तो उसके नीचे नहीं है, मेरे ख्याल से 6, 7 या 8 अंडे होंगे। बट कोई नहीं, अगर इसके नीचे बच्चे निकलेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ चिक्स जो हैं इधर भी सेटअप में, इस वाले सेटअप में देखने को मिलेंगे। और ये वाली मुर्गियाँ जो हैं अभी एग नहीं देना स्टार्ट किए हैं, हालांकि मेटिंग वगैरह बराबर चल रही है, मेल जो है सबसे मेट कर रहा है। और अब जो लग रहा है कि 10 मुर्गियाँ जो हैं काफ़ी हैं, क्योंकि मैंने जो इनक्यूबेटर में एग लगाए हैं तो वो भी करीब 59 के अप्रॉक्स एग हैं उसमें। अब 59 में अगर जितने भी बच्चे निकलेंगे, क्योंकि मशीन का रेशियो देखा है मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी, तो 90% उसमें चिक्स वगैरह जो हैं वो निकल आते हैं। तो अब अगर 59 में से मैं कह रहा हूँ 40 भी अगर बच्चे निकल आएंगे तो काफ़ी सारी जो हैं वो छोटे साइज़ की चिकन्स अपने पास हो जाएंगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी एक्टिव हो गए हैं अभी ये रिंग नेक वाला फीजेंट भी अपना एकदम फुल एडल्ट हो गया है, टेल वगैरह काफ़ी लंबी हो गई है। और इनका भी ब्रीडिंग सीज़न जो है स्टार्ट हो गया है, सर्दी में ही ये दिसंबर जनवरी में आके ब्रीड करते हैं। अब देखते हैं ये कब तक एग वगैरह ले करेंगी। हालांकि इनका सेटअप जो है वो कंप्लीट कर दिया था, अंदर इनका बॉक्स वगैरह लगा है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी गोल्डन वाले का भी जो है वो रेडी है। और कल मैंने इसको नोटिस किया था कि मेल जो है थोड़ा सा हीट पे आया था, जैसे वो डांस वगैरह करते हैं तो उस तरीके से वो कर रहे थे। और कबूतर भी 2 पेयर जो हैं वो सेट हुए हैं, जो लगे हुए पेयर थे वो भी एग वगैरह जल्दी इंशाल्लाह दे देंगे। तो सेटअप का जो है प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये न्यूज़ आपको कैसी लगी देख के वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो छोटी सी वीडियो मैंने सोचा कि जो मुझे थोड़ी खुशी मिली है आप लोग के साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और भी ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस टॉपिक पे भी आपको चाहिए हो, सेटअप का आपको चाहिए, फार्म का चाहिए, जिस वीडियो को चाहिए, तो वो मैं आपको बना के देता रहूँगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।